योगी आदित्यनाथ आते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, प्रांगण से आते हुए योगी आदित्यनाथ सीधा सीधा आप देखिए, और मंदिर के अंदर जाते हुए, मंदिर के अंदर जाते हुए गोरक्षनाथ। और अब से कुछ देर में यह भी जानकारी है कि यहीं पर आएंगे, बात करेंगे, मीडिया के सामने बात रखेंगे। तो ये तस्वीरें जिंदुस्तान ने दिखाई सबसे पहले, और इसके बाद आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ यहां से जब नामांकन पर्चा दाखिल करने जाएंगे तो माहौल क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। गाड़ी बिल्कुल तैयार है, सफेद कलर की फॉर्च्यूनर आप देखिए, गाड़ी बिल्कुल तैयार है। आपसे कुछ ही मिनटों में योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अभी मंदिर के अंदर गए, आपने देखा जिंदुस्तान ने दिखाया कि वहां से योगी जी आए और सीधा उस वाले गेट से अंदर गए मंदिर के, अभी गोरक्षनाथ के एक बार फिर से दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद इसी प्रांगण में आगे आएंगे जहां पर जी हिंदुस्तान मौजूद है, जी मीडिया की टीमें मौजूद है, तमाम मीडिया हाउसेस मौजूद है, और यहां पर आकर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ पहला रिएक्शन देंगे वो देखने वाली बात होगी, सुनने वाली बात होगी, उस पर भी नजर हमारी है। लेकिन प्रत्युष, जो सवाल आपने किया, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, पूर्वांचल का जिक्र किया, कहीं ना कहीं इस सीट से जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गरजेंगे, बरसेंगे नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद, पूर्वांचल की सभी सीटों को साधने की कोशिश, रणनीति यहां से आप देखिएगा किस तरह से बदलेगी। आज आप एक बार यह पर्चा दाखिल होने दीजिए, पहले दूसरे चरण का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नीति और रणनीति कैसे बदलेगी उसको पूरा देश देखेगा, उसको देश की जनता देखेगी। प्रत्युष, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, खास ये तस्वीरें मंदिर के अंदर। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ दाखिल हो चुके हैं और तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, पूजा अर्चना का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में मौजूद हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है गोरक्षनाथ मंदिर में इस वक्त भीतर मौजूद है। सुपर एक्सक्लूसिव है तस्वीरें, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है, और फिलहाल पूजा अर्चना यहां पर चल रही है। अखंड ज्योत के आगे हाथ जोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना आशीर्वाद करते हुए यहां पर, उसी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चूंकि आज नामांकन दाखिल करेंगे इस सीट से गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उससे पहले आशीर्वाद यहां पर अपने गुरु का, भगवान का लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मंदिर में दाखिल होने की तस्वीरें, मंदिर के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और ये जब दाखिल हो रहे थे तब की तस्वीरें हैं, लेकिन मंदिर में इस वक्त अभी मौजूद हैं। हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और ये बता दें आज ये नामांकन दाखिल होगा और उसके बाद जनसभा का कार्यक्रम भी है। जनसभा के बाद यहां पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। चार प्रस्तावक हैं, अलग अलग जाति से प्रस्तावक आते हैं, और इसके ठीक बाद अभी ये खास मंदिर की तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन के लिए यहां पर से अब निकलेंगे, और उसके बाद नामांकन जब दाखिल करेंगे तो अमित शाह भी नजर आएंगे आपको, स्वतंत्र देव सिंह तो अभी भी नजर आ रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पर होंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे अभी। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ तब से कुछ देर बाद नजर आएंगे। हालांकि अभी यहीं पर प्रांगण में पूरा यहाँ पर दिन यही है, आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि किस तरीके का माहौल गोरखपुर में है। आप देखिए समाधि स्थल में गए हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी के, महाराज की प्रतिमा अंदर है, उनको नमन करने पहुंचे हैं, गुरु को नमन करने शिष्य पहुंचे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत बड़ा दिन है योगी आदित्यनाथ के लिए। ऐसे में अपने गुरु का आशीर्वाद, महंत अवैधनाथ जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए योगी आदित्यनाथ अंदर पूजा करने गए हैं। बिल्कुल यहां से कुछ गज की दूरी पर मीडिया का पूरा जमावड़ा है, जी मीडिया भी यहीं पर मौजूद है, वो तस्वीरें भी, क्योंकि जैसे ही हमने तस्वीरें दिखाई गाड़ी बिल्कुल उनकी तैयार है। पहले गोरक्षधाम के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेने, अपना सर झुकाने के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज के दर्शन अंदर कर रहे, बाहर निकल रहे। तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ जी के दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। महाराज चलिए देखिए, नमस्कार करके योगी जी जाते हुए, और आगे का उनका पूरा प्लान है। अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं योगी जी को जाना होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। बीजेपी के लिए बड़ा दिन, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन, योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा दिन। पहले बाहर आए क्योंकि मंदिर में ही मौजूद थे, यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ, उसके बाद बाबा
गोरखनाथ के, गोरखनाथ के दर्शन किए, फिर अपने गुरु के दर्शन करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी के दर्शन किए, सर झुकाया, आशीर्वाद लिया और अब आगे के पड़ाव के लिए निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ। वो निकलेगा, हालांकि ये बता दें इस बार रिस्ट्रिक्शन है चुनाव आयोग की तरफ से, कोविड को देखते हुए ज्यादा लोग जो है नामांकन दाखिल करने भीतर नहीं जा सकते हैं, दो से ज्यादा लोग सहयोगी शामिल नहीं हो सकते, जुलूस जो है वो नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अब यहां पर से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना होंगे और चार प्रस्तावक उनके हैं। इसके साथ खास ये तस्वीरें अब यहां से निकलना शुरू हो चुका है, सीएम की जो गाड़ियां हैं यहां पर से फिलहाल रवाना हो रही है। देखिए क्योंकि पहले आपने तस्वीर देखी पूजा अर्चना की और यही वो गेट है और देखिए पूरी तरीके से ये दरवाजा खुल चुका है। जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरवाजा खुल चुका है और यही वो गेट है, यही वो काफिला देखिए पूरी तरीके से तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें आपको नजर आएंगे, वो यहां से निकल रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि यहां से सीधा उन्हें जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जब पहुंचने वाले एयरपोर्ट पर तो उनको रिसीव करने के लिए वो यहां से जा रहे हैं। इससे पहले पूजा अर्चना उन्होंने की, शिव की आराधना की भी तस्वीरें नजर आई और अब ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है गेट से बाहर निकलते हुए। आपको तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। देखिए जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि नामांकन दाखिल करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को और इसीलिए आज का दिन बहुत जरूरी हो जाता है, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तस्वीरें आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ हिलाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आए और यहां से निकल चुके हैं, अभिवादन यहां पर करते हुए नजर आए और अब सीधा वो जा रहे हैं केंद्रीय गृह। तो फिलहाल ये काफिला जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को रवाना हो चुका है मंदिर से, जैसा कि हमारी सहयोगी भी लगातार तस्वीरों के माध्यम से जानकारी दे रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहां पर से निकलेंगे और ये बता दें आपको केंद्रीय गृह मंत्री भी उनके साथ नजर आएंगे और इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह तो उनके साथ मौजूद ही है लेकिन यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे और जनसभा भी होगी यहां पर, एक लोगों को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही हम आपको बता दें यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि नॉमिनेशन आज फाइल कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, बड़ा दिन है और खासकर ये गढ़ जो है गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का ही माना जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां की नब्ज से पूरी तरीके से वाकिफ है, आम जनता जो है चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो वो सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरे विश्वास के साथ मानकर चलती है और इसीलिए जब जनता दरबार लगता है तो लोगों की भीड़ लंबी कतारों में लग जाती है कि बाबा जो है उनका निवारण करेंगे और न सिर्फ निवारण होता है बल्कि तुरंत कार्रवाई जो है वो की जाती है और इसीलिए जनता का विश्वास जो है सीएम योगी आदित्यनाथ में पूरी तरीके से बना हुआ। हालांकि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अब जा रहे हैं और हैरानी की बात यह कि सपा की तरफ से अभी तक कैंडिडेट भी यहां पर से घोषित नहीं किया गया है, तो एक तरफा जीत भी इसे मानकर अभी चला जा रहा है क्योंकि गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, ये 33 साल से बीजेपी लगातार यहां पर से जीत हासिल कर रही है और जिस तरीके की छवि सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में है उससे तस्वीर कुछ और साफ होती हुई नजर आती है। हालांकि आज नॉमिनेशन फाइल हो रहा है उसकी तस्वीरें भी अब से कुछ देर बाद यहां पर सामने आने लगेंगी, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे लेकिन अभी ताजा अपडेट, ताजा जानकारी जिस तरीके से हम दे रहे थे हमारे सहयोगी चूंकि वहां पर मौजूद हैं, तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से जानकारी यहां पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आपको मंदिर की तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से पूजा अर्चना यहां पर की गई, आशीर्वाद जो है अपने गुरु का सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर लिया और उसके बाद से यहां पर से रवानगी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की हो गई, यानी कि यहां पर से सीएम योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं और अब जो तस्वीरें आएंगी, नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरें आएंगी, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पल पल की अपडेट जो है जीत प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाता रहेगा। योगी के नामांकन से जुड़ी ये तमाम खबरें हैं जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं और गोरखपुर सदर सीट की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण सीट ये और ये हम आपको बता दें सस्पेंस उसको लेकर बना हुआ था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये पहली दफा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं यानी कि मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में
अभी ये बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ को ये भी कहा जा रहा था कि अयोध्या से चुनाव लड़ा जा सकता है। आदित्यनाथ पे होगी, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, और आज यहाँ पर वो नामांकन करने वाले, और इस नामांकन को कराने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीरें हैं उस जनसभा की जो नामांकन से पहले योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और अमित शाह इस जनसभा को करने वाले हैं। 1000 लोगों को इस जनसभा में बुलाया गया है क्योंकि चुनाव आचार संहिता का प्रोटोकॉल है और इसी वजह से बुलाया गया। और देखिए अभी उनके आने में समय है, लेकिन उससे पहले उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। कुर्सियां लगभग लगभग भर चुकी हैं। इसमें तमाम शिक्षाविद आए हैं, इसमें सोशल वर्कर हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी आए हैं। और ये लोग यहीं से नहीं आए हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंचे हैं, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि पहली बार कोई मुख्यमंत्री मैदान में उतर रहा है और वो खुद यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, वो भी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जिसके बारे में कहा जाता है कि काफी। तो जनसभा की भी पूरी तैयारी हो चुकी है और लोगों का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। बहरहाल हम आपको बता दें, हर एक छोटी बड़ी अपडेट जो है इस खबर को लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बाहर आते हुए तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें योगी। योगी आदित्यनाथ बाहर आते हुए तस्वीरें देखिए, तस्वीर